अपने इधर के कदम टेढ़ी रहती है। ठीक है, हंसते रहो हंसते रहो। सो गाइस आगे मुझे कहीं घुमाने लेके जा रही हूँ। एक्साइटमेंट अब सरप्राइज में ना बदल जाए कहीं। सभी उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं अंकल जी के साथ। दोस्तों ये बैठे हैं हमारे अंकल जी आगे सीट में, फ्रंट सीट में ड्राइविंग कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेडिटेशन। हाँ तो हमें अंकल जी मेडिटेशन के लिए ले जा रहे हैं। हाँ। भैया हमें ध्यान की बहुत जरूरत है। हाँ तो चलो फिर चलते हैं। और जैसे यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं वैसे यहाँ पे आता है नई टिहरी का पुलिस थाना। तो ये है थाना कोतवाली नई टिहरी। फाइनली हम पहुंच गए हैं बहुउद्देश्य भवन के बाहर यहाँ पे। और ये हमारी त्रिदेवियाँ और एक चौथी में। सो यहाँ पे हमारा एंट्रेंस। और यहाँ पे है व्यवस्था की गई हमारे बैठने के लिए। यहाँ पे कुछ लोग पहले से उपस्थित और कुछ लोग अभी आएंगे सीट खाली। सो गाइज मेडिटेशन का जो सेशन था वो भी ख़त्म हो गया और यहाँ पे प्रसाद बंट रहा है। ये देखिए अंकल जी हमारे मदद करेंगे प्रसाद बांटने में। करते ही जाएं जो बाहर भी खड़े हैं, मैं निवेदन करूँगा कि बाहर भी जो कोई खड़े हैं भाई एक ही मोटी। सो दोस्तों ये हमारे अंकल जी और ये दे रहे हैं इनको पुस्तक भेंट कर रहे हैं यहाँ से। योग क्या है ये ज्ञानामृत पुस्तक। हाँ जी ठीक है। और ये मेरे को भी एक प्रतिलिपि मेरे लिए। और ये लक्ष्मी यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रही है, हमारे भैया जी दे रहे हैं। थैंक यू। सो गाइज अब हम आ गए हैं बाहर। अब हम यहाँ से जाएंगे घर को। घर नहीं जाएंगे एक्चुअली, हम मार्केट जाने वाले हैं अभी तो मार्केट चलेंगे। हाँ पैसा उड़ाएंगे पैसा और ये घर जाएगी। नहीं पैसे हैं, रुपए नहीं है मेरे पास तो रुपए दे देंगे ये शीतल और ये लक्ष्मी। ये कि इसलिए लाए साथ में ये तो ये इन्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद आई और इन्हें और मिठाई चाहिए थी लेकिन कम मिली। इन्होंने मांगी भी बेशर्मों की तरह तब भी नहीं मिली। अब ये हमला करने जा रहे हैं। मिठाई ने तिरंग लाई और अंकल जी लेके आ रहे हैं। देखिए प्रसाद ग्रहण करके लेके आ रहे हैं सबके लिए। और एक एक दो दो तीन तीन जितने पीस लेना चाहो उतना आप ले सकते हो। अंकल जी अपने लिए भी रखी आपने। लेट हो गई गाड़ी को। हाँ तो अंकल जी आज क्या सीखा आपने? हमने ये तो बहुत पहले से सीखे हुए हैं। कुमार हम तो पहले से जुड़े हुए हैं। पहले से जुड़े हुए हैं। हाँ सीखने की जरूरत तुम्हें है। ठीक है 2017 तो आप मतलब हमारे दर्शकों को कुछ मतलब एक वो बताइए अच्छा विचार या एक मूल चीज। ये है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय मतलब मेडिटेशन सिखाया जिससे स्ट्रेस कम हो और कार्य करने की क्षमता बढ़े। ठीक है मतलब ऑफिसों में मतलब ज्यादा काम होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। 10 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन करें, अपने को समय दें। अपने को समय दें। हाँ और माउंट आबू घूमने के लिए जाए। हाँ खुद भी शांत रहे अपने परिवार को भी शांत रख के शांति से जी और शांति रहेंगे। और ये वो माता जो अपने बेटे के लिए बेचैन है, बेटे को अंदर ताले के अंदर बंद करके आई है घर के अंदर। ये स्ट्रेस फ्री नहीं हो रही बल्कि स्ट्रेस ले रही है और हमारा भी बढ़ा रही है। चलो दोस्तों फिर चलते हैं। और अभी मैं देखो मैं बॉर्डर में स्वेटर पहन के घूम रही हूँ। हाँ यहाँ पे इतनी ठंडा हो रही थी, ठंडी लहर चल रही है ना बाप रे क्या बताऊँ।
So guys, ये पब्लिक प्लेस में बहुत शर्म आती है, तो ये हमारा वर्ल्ड का व्यू ये देखो तो इसको भूख लग रही थी तो ये कुछ खाने जा रही है इसका कुछ नहीं हो सकता। सो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, चटर बटर। चटोरी घुस गई है प्रेम फास्ट फूड एंड कॉर्नर में, पता नहीं क्या ऑर्डर करेगी। ऐसे भी ये खाली है, कोई नहीं है आज, हम ही है यहाँ पे पहले कस्टमर। हरी हरी और लाल लाल चटनी और ये सफेद सफेद दही और ये गया मुंह में, कब गया पता ही नहीं चला मेल्ट हो गया एकदम दही वाला सॉल्ट और यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म बन टिक्की। देखिए इसको सजाया जा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। हरी भुली को लग गई मिर्च। गाइस ये हमारा यमी यमी बर्गर और या बन टिक्की जिसे हम बोलते हैं, और ये देखिए यही खाएगी सारा यही खाती है, बस इसे लगता नहीं है। गर्म है। पूजा भैया अपने बात से पलट गए एकदम से तो देखो भैया कितने में देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है हमारा पूरा बोराड़ी, ये देखिए शाम का समय है, शाम के लगभग 7:30 हो चुके हैं। सो गाइस अभी हम आए हैं राखी बेकर्स के पास, जो केक सेलेक्ट कर रही है देखो कोई केक इसे पसंद आता है तो आज क्यों हम केक ले रहे हैं ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। तो पूजा को तो आ रहा है ये वाला केक पसंद और मुझे ये वाला अच्छा लगा था, हाँ और ये चलाएगी अपनी, तो ये यही वाला केक ले रही है। देखिए पूजा ने केक कैंसिल कर दिया, मेरा वाला केक चलेगा। पूजा क्यों कैंसिल किया बताओ? तो ये पूजा केक को कस्टमाइज करवा रही है, देखो क्या करवाती है इस पर। देखो ये वृतिका को गिफ्ट मिला है आज, ये जिद कर रही थी ना कि ड्रेस कोई गिफ्ट नहीं होता। वृतिका कैसा लगा आपको गिफ्ट? कैसा लगा? चलो अभी वो क्या होता है मौसी को? तो ये प्यू जैसा ही है, छोटी सी प्यू जैसा हाँ इसके भी दो पोनी टेल है, हाँ है आपसे सुंदर है। कुछ तो बोलो, पसंद आई कि नहीं आई? ओ तो पूजा कैंडल जला रही है और प्यू फू फू करके उसे परेशान कर रही है। ये देखो शरारती पूजी मौसी और शरारती वृतिका दोनों ही बड़ी शरारती हैं, हाँ। और ये केक काटने के लिए बड़ी एक्साइटेड रहती है हमेशा, है ना? Happy birthday to you, dear Papa. Happy birthday to you. तो आज हम गए थे स्ट्रेस हटाने वाली कार्यशाला में, तो वहाँ यही सिखाया है कि जिंदगी में चाहे दुख दर्द गम चाहे कितने सारे क्यों ना हो, खुशियों की संख्या बढ़ा दो ताकि आप स्ट्रेस से दूर रह सके, है ना? और हमारे चेहरे की ये मुस्कान देखो, वृतिका के चेहरे में कितनी मुस्कान आई है चॉकलेट खा के। सो गाइस आज तो बहुत ज़्यादा ही थक लग गई है, बहुत बुरी तरह से थक गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर को। और तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, बाय बाय।